हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ते। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू पोहा। तो मैंने आलू को बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक कट करके और डाल दी हूँ मैं इसमें, और सिर्फ इसमें एवरेस्ट मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ये सारी चीज़ डाली हूँ, और हरी मिर्ची और नमक है। इसके बाद मैं इसको ढक के और अच्छे से पकाऊंगी आलू को। तो आलू यहाँ पे मेरा अच्छे से पक चुका था। इसके बाद मैं इधर पोहा धुल के रखी हुई थी, तो अब मैं पोहा डाल के और अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको बिल्कुल एक सा। तो आज का नाश्ता हम लोगों का पोहा है और मैं काफ़ी टाइम के बाद आज पोहा बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है पोहा बनाए, और यहाँ पे मैं चाय और पोहा बना ली हूँ। तो ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, मैं अपने हस्बैंड को दे दी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना निकाल ली हूँ, और दूध शाम को लाना ये भूल गए थे, तो मैं काली चाय बनाई हूँ, दूध नहीं थी। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो मैं दिन भर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे कुछ सब्ज़ी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, जो घर में ख़त्म हो रहा था। और अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ खाना बनाने की तैयारी में, सब्ज़ी कट करके। इसके बाद मैं मसाला यहाँ पे पीस रही हूँ, सिंपल सा मसाला, वही अदरक लहसुन है और ये जीरा धनिया है, मिर्ची है, तो वही मैं इसमें पीस ले रही हूँ मिक्सर में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अभी मैं चाय वगैरह पी ली हूँ मैं, तो इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। सोची पहले खाना बना लेते हैं, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो। और यहाँ पे मेरा मसाला पीस चुका है, इसके बाद मैं इधर सब्ज़ी को मैं डाल दी थी फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी ऑयल और प्याज के साथ फ्राई भी हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डालूंगी मसाला, तो इसमें मैं मिलाई हूँ सूखा मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और एवरेस्ट है सब्जी मसाला, तो वो मैं मिला के और इससे सब्ज़ी में डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करके और ढक के रख दूंगी पकने के लिए। और यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ सब्ज़ी के लिए। तो टमाटर अब बिल्कुल बहुत महंगा हो रहा है, 70 रुपये केजी हो गया है इधर। तो टमाटर आप लोगों के साइड क्या रेट है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी को चला रही हूँ, मेरी सब्ज़ी आधी पक चुकी है, तो यहाँ पे मैं चला रही हूँ सब्ज़ी को और आधी पक गई है, तो इसी टाइम पे मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। इसके बाद फिर मैं धीमे आंचे करके और ढक के और सब्ज़ी को रख दूँगी पकने के लिए, ताकि स्लो फ्लेम पे अच्छे से सब्ज़ी मेरी पक जाए। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी पक चुकी है, तो मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई कुछ देर से। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी भून रही है, ऑलमोस्ट भून ही चुकी है सब्ज़ी, और मेरे को नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं इसमें नमक थोड़ा सा डाली हूँ और इसे चला चला के अच्छे से भून रही हूँ मैं। भुना ही गया है सब्ज़ी और बहुत अच्छा बना था सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। इसके बाद मैं सब्ज़ी और चावल और रोटी बस बनाई थी, दाल वगैरह आज नहीं बनाई थी मैं। इसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पोछा लगा रही हूँ, मैं झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा ली थी, फिर खाना बनाई, इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। और बर्तन वगैरह मैं इकट्ठा करके नीचे रखी हूँ, तो वो मैं धुलूँगी। और काफ़ी टाइम के बाद बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, इस टाइम पे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था मेरा, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने कर ही लिया, वीडियो बना ही लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम हो गया है, तो ये मैं सारा कुछ करके फ्री हो चुकी हूँ। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज़, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे।